पटना पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 500 रुपए का एक बंडल बरामद हुआ है। बंडल में ऊपर और नीचे 500 के असली नोट थे, जबकि बीच में कागज के टुकड़े थे। पुलिस ने ठग शेख मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। उसके साथ रहे दो और लोग फरार हो गए। बाहर खड़ा था, पुलिस को देखकर हरकत में आ गया, जिसको देख के हमारे पदाधिकारी को उस पर संदेह हुआ। जब उसका पीछा किया गया तो उसने अपने हाथ में रखे हुए एक बंडल टाइप का था, जिसको फेंक दिया। लड़के को पकड़ा गया, जब बंडल लिया गया तो बंडल में वो देखने से लग रहा था रुपया का बंडल है, लेकिन उसमें जब बंडल को खोला गया, रुमाल में लपेटा हुआ था, तो उसके ऊपर और नीचे एक 500-500 के नोट और बंडल की मोटाई जस्ट लाइक आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें 50,000 रुपया समथिंग होगा।